एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गालवान को लेकर किए गए ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने कहा कि ऋचा के खिलाफ शिकायत मिली है और इसकी जांच करने के बाद एक्ट्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने सेना को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने देश के राष्ट्रभक्तों को आहत किया है। ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है, सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, सेना और सिनेमा में फर्क करना समझो आप, रियल और रियल लाइफ में भी अंतर करना सीखिए। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कह दिया कि ऋचा चड्ढा के बयान से राष्ट्रभक्तों को पीड़ा पहुंची है। वैसे भी अभिनेत्री ऋचा के टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता जग जाहिर है। बिटिया श्रद्धा वॉल्कर के 35 टुकड़े कर दिए गए, मगर उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन जहां देश और सेना के खिलाफ बोलना हो तो सबसे आगे वो ही दिखाई देती हैं। सही कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जिन लोगों की संगत में वो है तो उनकी मानसिकता तो टुकड़े टुकड़े वाली ही रहनी है। दरअसल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को वापस लेने के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। हम बस सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हम जल्द ही ऑपरेशन पूरा करेंगे। लेकिन इस मामले पर ऋचा चड्ढा ने जो कहा वो हर भारतीय के लिए हैरान करने वाला था। ऋचा चड्ढा ने सेना के अधिकारी के बयान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, गालवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा की प्रतिक्रिया भारतीयों को पसंद नहीं आई और बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने ऋचा चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका ट्वीट सामने आते ही वायरल हो गया और इस ट्वीट पर काफी हंगामा खड़ा हुआ। इस ट्वीट में लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस ने गालवान में शहीद हुए हमारे जवानों का मजाक उड़ाया है। ट्रोलिंग के बाद ऋचा चड्ढा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इस मामले पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। अनुपम खेर ने भी ऋचा चड्ढा को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है, और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। लेकिन एक तरफ तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर खुलकर ऋचा चड्ढा का साथ देती नजर आ रही है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि स्ट्रेंथ एंड लव टू यू ऋचा चड्ढा। अब ऐसे में देखना होगा कि ऋचा चड्ढा के खिलाफ मध्य प्रदेश में क्या एक्शन लिया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, ऋचा चड्ढा ने ये ट्वीट करके सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।